Hey, hi everyone. So this is our next lecture in CSET preparation. और reading comprehension हम इसमें discuss करेंगे. Previous session में हमने direction senses के questions discuss किए थे with the concept as well. अभी तक क्या है, अभी तक तो हमने कोई short passages किए थे. इसमें मैंने एक long passage भी डाला है. मैंने आपको बताया था कुछ सारे very short passages होते हैं, कुछ short passages होते हैं, कुछ वेरी लॉन्ग पैसेजेस होते हैं. ये वही है. जो लॉन्ग पैसेज रहेगा उसका ये बेनिफिट होता है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा रहेंगे उसमें. सो एक पैसेज पढ़कर मतलब आप चार क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे. सो अगर आपने वो सही से अटेम्प्ट कर दिया तो आपके वो चार क्वेश्चंस अगर सही हो गए तो आपने वहां से मार्क्स फेच कर लिए, राइट. तो इस तरह से उसका कुछ चीज़ें मतलब लॉन्ग पैसेजेस से भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं. ओके, तो पढ़ते हैं इसको. सो इट इज नो लॉन्गर इनफ. पहले क्वेश्चन पढ़ना ना, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन का आइडिया ले लो क्या पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर परमानेंट इज और आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन. ये राइट टू एजुकेशन के बारे में विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज एजम्पशंस पूछा गया है इस क्वेश्चन में. इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग क्वालिटी इन एजुकेशन. ठीक है, एक असेंशियल मैसेज पूछा गया इस पैसेज में जो दिया गया है. ओके, चलो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं. सो इट इज नो लॉन्गर इनफ फॉर अस टू टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन. मेकिंग अवेलेबल स्कूलिंग फैसिलिटीज इज एन असेंशियल प्री रेक्विजिट बट इज इनसफिशियंट टू एंश्योर that all children attend school and participate in the learning process. Okay. Providing for universal access to education. Agar schooling facilities are made available, so that is basically a prerequisite, but insufficient to ensure that all children attend school and participate in the learning process. The school may be there, but children may not attend or they may drop out after a few months. Through schools and school and social mapping, we must address the entire gamut of social, economic, cultural, and indeed linguistic and pedagogic issues. Factors that prevent children from weaker sections and disadvantaged groups, as also girls from regularly attending and complementing elementary education. मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल इकोनॉमिक कल्चर कुछ इश्यूज हैं. एक तरह से जैसे फॉर इंस्टांस गर्ल एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट ना करना, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे होती हैं, अर्निंग मेंबर्स नहीं होते हैं. तो उस तरीके से भी जो सोशली बैकवर्ड सेक्शंस होते हैं या डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं वो बेसिकली कुछ कुछ को लिंग्विस्टिक इश्यूज होते हैं. जैसे कुछ सारे जो बेसिकली जैसे ट्राइबल्स वगैरह जिनकी कुछ डिफरेंट लैंग्वेज होती है तो उनको लैंग्वेज का भी इशू रहता है. जैसे हिंदी प्रॉपरली वो समझ नहीं पाते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो ये भी चीज़ें हैं. तो उस वजह से भी मतलब ये इशूज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. द फोकस मस्ट बी ऑन द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डिसएम्पावर्ड रहते हैं. एंड एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ वायोलेशन और डिनाइल ऑफ देयर राइट टू एजुकेशन. तो इस पैराग्राफ से यही सब समझ में आया है कि स्कूलिंग फैसिलिटीज तो अवेलेबल करवाई जा सकती हैं, बट उससे ये इंश्योर नहीं होता है कि सारे जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली स्कूल रेगुलरली बेसिस पर स्कूल जाएंगे और जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें कुछ सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अब यहाँ पर वो बात करता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो सिर्फ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ही नहीं गारंटी करता है, बट इट इज़ बियॉन्ड दैट. इट इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. क्वालिटी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन. इफ द एजुकेशन प्रोसेस लैक्स क्वालिटी, चिल्ड्रन आर बींग डिनाइड देयर राइट. क्योंकि ये इंटेग्रल पार्ट है, तो अगर क्वालिटी एजुकेशन ही लैक करता है तो एक तरह से वो राइट बेसिकली इज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली. द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लेज डाउन दैट द करिकुलम शुड प्रोवाइड फॉर लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी.
तो एक तरह से इस टाइप की लर्निंग को प्रमोट करना जिसको चिल्ड्रन एडेप्ट कर सकते हैं बेसिकली. दिस प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑन अस टू चेंज अवर परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज पैसिव रिसीवर्स ऑफ नॉलेज एंड टू मूव बियॉन्ड द कन्वेंशन ऑफ यूजिंग टेक्स्ट बुक्स एज द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन. द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मस्ट बिकम स्ट्रेस फ्री. तो ये आप समझते ही हो कि जो चिल्ड्रन है उनको एक प्लेफुल मोड में, मतलब उनको लर्निंग जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, ना कि टेक्स्ट बुक्स के थ्रू एंड एग्जामिनेशंस के थ्रू. एंड ए मैसिव प्रोग्राम फॉर करिकुलर रिफॉर्म शुड बी इनिशिएटेड टू प्रोवाइड फॉर ए चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम दैट इज मोर रेलिवेंट एंड एम्पावरिंग. टीचर्स शुड बी मेड अकाउंटेबल एंड प्रोसेसेस मस्ट इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर एक्चुअली लर्निंग सो दैट द राइट टू लर्न इन ए चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट इज नॉट वायोलेटेड. टेस्टिंग एंड असेसमेंट सिस्टम जो है वो उसको री एग्जामिन किया जाना चाहिए और उसको रीडिजाइन भी किया जाना चाहिए सो दैट ये जो चीज़ें हैं ये चिल्ड्रन को फोर्स ना करें टू स्ट्रगल बिटवीन स्कूल एंड ट्यूशन सेंटर्स. क्योंकि एग्जामिनेशन आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, जो टीचर क्लास में पढ़ाता है वही बाद में ट्यूशंस प्रोवाइड करता है और एक तरह से वो क्लास में जो क्वालिटी एजुकेशन है कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूशंस अटेंड करें, है ना. तो एक एडिशनल बेनिफिट उनको होता है और एक ये भी होता है कि उसमें फिर मार्क्स का भी रहता है कि एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को जो उनके साथ एडिशनली ट्यूशन पर भी पढ़ रहे हैं. तो ऐसा सिस्टम आपने देखा होगा. ओके, अब इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं. पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस अंडर द राइट टू एजुकेशन. पहला है सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल, सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाई ऑल पेरेंट्स. दूसरा है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल बाई ऑल पेरेंट्स ये है क्या, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, करिकुलर रिफॉर्म्स फॉर डेवलपिंग चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम. कितना ईजी क्वेश्चन है. राइट टू एजुकेशन में पैरामाउंट इम्पोर्टेंस सेंडिंग ऑफ चिल्ड्रन टू स्कूल ये है ही नहीं, राइट. प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कहीं पर बात नहीं होती है. करिकुलर रिफॉर्म्स शुड बी डन फॉर डेवलपिंग चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग सिस्टम पूरे पैसेज में इसी चीज की बात की गई है. सो थ्री ओनली इज द राइट आंसर, थ्री ओनली शुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, with reference to the above passage the following assumptions have been made. The right to education guarantees teachers accountability for the learning process of children. Right to education guarantees teachers accountability for the learning process. The right to education guarantees 100% enrollment of children in the schools. ऐसा कुछ भी right to education guarantee नहीं करता है. यहाँ पर जो word guarantee है ना यही एक तरह से वियर्ड है बेसिकली, राइट. राइट टू एजुकेशन ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है बेसिकली. द राइट टू एजुकेशन इंटेंड्स टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड. अब ये इसमें सही ऑप्शन है. देखो, टीचर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स ये होना चाहिए ताकि राइट टू एजुकेशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसके जो इंटेंशंस है ना उनको प्रॉपरली वो किया जा सके और रीच किया जा सके, राइट. तो राइट टू एजुकेशन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेसिकली, जो पॉपुलेशन है इवन जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं वो सब बेसिकली क्या हों, सब अवेयर हों, सब एजुकेटेड हों, तभी बेसिकली वो आगे जाकर एक तरह से स्किल्स वो कर पाएंगे और एक तरह से नेशन बिल्डिंग में या फिर मतलब बेसिकली आगे जाकर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे टू द नेशन डेवलपमेंट, राइट, किसी भी सेक्टर में, राइट. सो थ्री इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट है,
According to the passage, which one of the following is critical in bringing quality in education? Ensuring regular attendance of children as well as teachers in school. देखो, regular attendance necessary है, but quality education उससे थोड़ी ही ensure होगी कि regular attendance से ही ensure होती है, नहीं होगी ना, उसके लिए अलग से efforts डालने पड़ेंगे. Giving benefits to teachers to motivate them. देखो ये हो सकता है, बट ये ही थोड़ा ही होगा कि बेनिफिट्स को उस टीचर्स के अंदर बेसिकली ये इनबिल्ट होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स अकाउंटेबिलिटी शुड बी इंश्योर्ड उसमें लिखा हुआ है, राइट. सो एडिशनल बेनिफिट ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद भी टीचर्स आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, राइट. अंडरस्टैंडिंग द सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, ये ठीक है, ये एक हद तक सही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस में, जिसमें से कुछ सोशल बैरियर्स होते हैं, कुछ सारे जैसे लिंग्विस्टिक बैरियर्स होते हैं, कुछ कल्चरल बैरियर्स होते हैं, तो उनको सिर्फ अंडरस्टैंड करने से तो काम नहीं चलेगा ना. ऊपर से जो पैसेज बात कर रहा है वो कह रहा है चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग प्रोसेस के, जो की पॉइंट है ना. तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए इनकल्केटिंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज एंड डिस्कवरी, साफ साफ पता चल रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन तभी इंश्योर किया जाएगा कि जो प्रेजेंट मेथड है ना लर्निंग थ्रू टेक्स्ट बुक्स, उसको एक तरह से मॉडिफाई कर देना चाहिए और वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू और एक चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में जो एनवायरनमेंट है टीचिंग का या लर्निंग का वो क्रिएट करना चाहिए. सो डी शुड बी द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पैसेज में जो सबसे एसेंशियल मैसेज है वो क्या है? द राइट टू एजुकेशन नाउ इज ए फंडामेंटल राइट. देखो ये नॉन चीज है, तो ऐसे कुछ इसमें असेंशियल ये चीज नहीं है. राइट टू एजुकेशन एनेबल्स द चिल्ड्रन ऑफ पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एनेबल्स द चिल्ड्रन ऑफ पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू अटेंड स्कूल्स, राइट. द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल. बस तो फिर पूरे पैसेज में जो मैसेज देना चाह रहा है उधर, वो यही देना चाह रहा है कि स्कूल्स में बुलाया जा सकता है इस चिल्ड्रन को, वो एक बिग डील नहीं है. जो बिग डील है ना वो है क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना, राइट. तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सी शुड बी द राइट आंसर. ऑल गुड. तो ये बड़ा पैसेज था, हालांकि ये 2018 का पेपर है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है या लेवल ऑफ पैसेज है ये यही रहेगा. हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 2022 का पेपर, 2022 का जो लॉन्ग पैसेज है ना वो डिस्कस करेंगे. उससे आपको थोड़ा आइडिया और लगेगा इसका, क्योंकि अभी सी सेट ज्यादा टफ हुआ है, पहले कंपेरेटिवली ईजियर था, राइट. तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे बाद में. उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, ग्लोबल पॉपुलेशन वॉज अराउंड 0.6 बिलियन इन 1990, टुडे इट इज अराउंड 7.2 बिलियन एंड ग्रोइंग. रीसेंट एस्टिमेट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ प्रिडिक्ट ए ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ 9.6 बिलियन इन 2050. ओके, एंड 10.9 बिलियन इन 2100. अनलाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वेयर ओनली 3-4% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, सो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ओनली 3-4% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. Around 47% of India's population is dependent upon agriculture. Even if India continues to do well in the service sector and the manufacturing sector picks up, it is expected that around 2030, when India overtakes China as the world's most populous country, nearly 42% of India's population will still be predominantly dependent on agriculture. चलो क्वेश्चन देखते हैं, पैसेज तो उतना टफ नहीं है, एज सच कोई हिडन मीनिंग नहीं है इसमें, बस सिंपल सा पैसेज है. ग्लोबल पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन एंड इंडियाज डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर, डेटा फिगर ही दिया गया है.
सो यहाँ पर व्हाट कैन बी द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट द पैसेज कैन कन्वे प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस टू इंडिया. ये हो सकता है क्यों? क्योंकि पूरे पैसेज में ऑथर सिर्फ ये बात कर रहा है कि जो बाकी नेशंस हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, राइट? तो उसका एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना ज़रूरी है. इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है. देखो, उसने इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं की है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर पर बेसिकली एग्रीकल्चर से ही और सारे अदर सेक्टर्स जो है वो कनेक्टेड है. इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. ये हो सकता था, बट यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है वो पॉपुलेशन से ज्यादा बात की गई है इंडियाज डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर की. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि डी तो वैसे ही कोई सेंस नहीं बनाता है. इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन. नहीं, ये सही नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी पैथोजेंस दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेसेस आर अननोन. मैनी पैथोजेंस दैट कॉज फूड बॉर्न इलनेस आर अननोन टू अस. फूड कंटामिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट. सिंस मोस्ट केसेज ऑफ फूड पॉइजनिंग गो अनरिपोर्टेड, द ट्रू एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल फूड बोर्न इलनेसेज इज अननोन. इम्प्रूवमेंट्स इन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग शुड लेड टू ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस, येट द रैपिड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस कंज्यूमर्स वल्नरेबिलिटी बाई मेकिंग फूड हार्डर टू रेगुलेट एंड ट्रीज. वी हैव द वर्ल्ड ऑन अवर प्लेट्स, सेज एन ऑफिशियल ऑफ WHO. देखो, इस पैसेज में ना जो लिखा गया है फूड इन अवर प्लेट्स, क्योंकि आप वी हैव द वर्ल्ड ऑन अवर प्लेट्स बेसिकली, इसका मतलब समझो, और एक ये समझो कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इसका मतलब एक्चुअली क्या है. बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे प्लेसेस से आपको बताएं, मतलब जहां से फूड प्रोड्यूस होता है उसके बाद दूसरे नेशंस में मतलब जो कमोडिटीज हैं वो ले जाई जाती हैं, राइट, वहां यूज की जाती हैं. तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो फूड बॉर्न इलनेसेस है ना वो और ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये चीज क्योंकि डिटेक्टेबल भी नहीं है, बहुत सारे पैथोजेंस जो है वो डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं, अननोन है, तो उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है और बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड रहते हैं, और डेटा अनरिपोर्टेड रहता है तो उस चीज का सोल्यूशन भी नहीं हो पाता है, राइट. वैसे तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जैसे कि कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनसे क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा है, बट उसके साथ ही ऑप्शंस कितने सारे बढ़ गए हैं ना रैपिड ग्लोबलाइजेशन की वजह से, राइट. तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तो उतना रेगुलेशन नहीं हो पाता है और ना ही उतना जो पैथोजेंस वगैरह है वो ट्रेस हो पाते हैं, तो जिससे फूड कंटामिनेशन ज्यादा हो रहा है. अब यहाँ वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी टू द अबव पैसेज. कोरोलरी मतलब क्या, आप इसे क्या चीज आप कंक्लूजन आप बेसिकली दे सकते हो. विथ मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम्स मोर रिस्क. ये सही है क्योंकि फूड इज ब्रॉड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मल्टीपल ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स हैं उसकी वजह से पैथोजेंस के, जिससे फूड बॉर्न इलनेसेस जो हैं वो बढ़ी है, राइट. मल्टीपल सोर्सेस से आता है बेसिकली फूड जो हम खाते हैं, एक तरह से कंज्यूम करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो सकता है. नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल फूड बॉर्न इलनेसेस. देखो, फूड प्रोसेसिंग ही सिर्फ कॉज नहीं है, एक्चुअली क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग से फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज होती है, आपको पता है ना,
और कहीं पर भी, जैसे वो एक कोच हो सकता है वैसे, बट कहीं पर भी जो पैसेस है उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको इन जनरल आंसर नहीं करना है, आपको आंसर करना है पैसेस के बेसिस पर। तो फूड प्रोसेसिंग तो इसमें मेंशन ही नहीं है। वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस फूड ओनली, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो लोकली प्रोड्यूस्ड फूड है वो उससे फूड बोर्न इलनेसेस एलिमिनेट हो सकती हैं, क्योंकि पैथोजेंस तो मल्टीपल सोर्सेस से आते हैं, राइट? तो वो भी पूरी तरह से गारंटी थोड़ी करता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड, देखो ये एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, वायबल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में जैसे कुछ कुछ पर्टिकुलर फूड कमोडिटी ग्रो होती है कुछ कहीं पर, तो उसकी वजह से कुछ मतलब, और आफ्टर ऑल जो पैसेस है वो उस बात कर ही नहीं रहा है कि फूड जो इलनेसेस है ना, फूड बॉर्न इलनेसेस, उनको टैकल कैसे करना है, तो पैसेस इसके बारे में है ही नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया। सो ए शुड बी द राइट आंसर, कि जितने ज्यादा ऑप्शंस बढ़ रहे हैं ना, जितने ज्यादा सोर्सेस बढ़ रहे हैं फूड के लिए, उतने ही रिस्क जो हैं वो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पैसेज, आई एम ए साइंटिस्ट प्रिविलेज टू बी समबडी हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड नेचर यूजिंग द टूल्स ऑफ साइंस, बट इट इज ऑल्सो क्लियर दैट देयर आर सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट साइंस कैन नॉट रियली आंसर, सच एज व्हाई इज देयर समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, व्हाई आर वी हियर इन दोज डोमेन्स, आई हैव फाउंड दैट फेथ प्रोवाइड्स ए बेटर पाथ टू आंसर, आई फाइंड इट ओडली एनाक्रोनिस्टिक दैट इन टूडेज कल्चर देयर सीम्स टू बी ए वाइड स्प्रेड प्रिजम्पशन दैट साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज आर इनकम्पैटिबल। सो बेसिकली ये क्या है, छोटा सा पैसेज है बेसिकली ये, और आई एम ए साइंटिस्ट प्रिविलेज टू बी समबडी हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड द नेचर यूजिंग द टूल्स ऑफ साइंस, मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बेसिकली देना जो नेचुरल जो चीजें होती हैं उनके लिए, राइट? बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साइंस से भी अंडरस्टैंड नहीं किए जा सकते हैं। फॉर इंस्टांस ये कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात करता है कि वाई आर वी हियर, लाइफ के बारे में उस तरह से, राइट? और लास्ट में एक लाइन कह रहा है कि देर इज ए वाइड स्प्रेड प्रिजम्पशन कि साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज आर इनकम्पैटिबल। यहाँ पर जो एनाक्रोनिज्म है ना, एनाक्रोनिस्टिक, इसका मतलब है कि आई फाउंड इट ओडली एनाक्रोनिस्टिक, मतलब कुछ जो पहले के बिलीफ हो, पहले आपको पता है कि साइंस के अगेंस्ट मतलब कुछ लोग थे जो साइंस में बिलीव करते थे, कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते थे, और साइंटिफिक नॉलेजेस को कहीं ना कहीं लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को वो कर दिया जाता था, डिस्कार्ड कर दिया जाता था। जैसे आपने वो सुना होगा कि मतलब क्राइस्ट को जो जो क्रिश्चियन वो आया था वहां पर, चर्च रूल जो था तो उसमें बर्न कर दिया जाता था कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर इन सब की देता था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सो ओल्डली एनाक्रोनिस्टिक मतलब बहुत ही पुराना, मतलब ओल्ड फैशन्ड बेसिकली, कि आज के कल्चर में भी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल व्यूज दोनों को इनकम्पेटेबल माना जाता है, जबकि दोनों साथ साथ चल सकते। तो इसमें कह रहा है कि मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस क्या हो सकता है, इट इज द फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड। साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड, ठीक है? देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट विच कैन नॉट बी आंसर्ड बाय ईदर साइंस और फेथ। इन टूडेज कल्चर साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यूज। देखो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पैसेज में ये नहीं बात की गई है कि कौन सा प्रेफर किया जाता है, ये बात की जाती है कि इन दोनों को इनकम्पेटिबल माना गया है। दूसरा, देर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड बाई इधर साइंस ऑफ, इसमें क्वेश्चन रेज किए गए हैं वो आंसरेबल है या नहीं, इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई है, तो ये भी गलत है। साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर
अंडरस्टूड. बिल्कुल, यहां पर देखो, इन दोज डोमेन्स आई हैव फाउंड दैट फेथ प्रोवाइड्स ए बेटर पाथ टू आंसर. राइट, साइंटिफिक फेथ, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड. राइट, मतलब प्रॉपर डोमेन्स मतलब जहां पर साइंटिफिक नॉलेज लगाया जा सकता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, या फिर जहां पर स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करता है, तो उन डोमेन्स को अगर प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया जाए तो दोनों में ही बिलीव किया जाना बेसिकली पॉसिबल है. कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे, मतलब एक का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसके कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ या फेथ भी के बेसिस पर भी उसको वैलिडेट किया जा सकता है किसी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को. तो इस तरह से पहला तो वैसे भी गलत है. राइट, तो इसमें साइंस आर्ग्यू किया गया है पैसेज में एक्चुअली कि साइंस भी सारे आंसर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो उस सिचुएशन में हम स्पिरिचुअलिज्म या फेथ में बिलीव करते हैं. राइट, बट आज के वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअलिज्म वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है एंड साइंस कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम. ऐसा हो सकता है बट ऐसा पैसेज नहीं बोल रहा है, पैसेज सिर्फ बोल रहा है कि दोनों को इनकम्पैटिबल माना गया है. ठीक है, तो इससे सो सेकेंड इज द राइट आंसर. ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये प्लीज आप आंसर करना, ये पैसेज पढ़ना और फिर ये आंसर करना. बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एंड वी विल डिस्कस फर्दर सम मोर टॉपिक्स, सम मोर पैसेजेस. ओके देन, बाय एवरीवन, टेक केयर.